आज के वीडियो में सभी दीदी भैया को नमस्ते। एक दीदी का कमेंट आया है, दीदी का नाम है प्रियंका राय। दीदी ने हमसे पूछा है कि दीदी हमारा नया नया समूह है, हमारा रजिस्टर भी नया है, कृपया पहली बैठक से रजिस्टर को कैसे बनाएं। तो देखिए दीदी, जब आपका समूह नया नया बनता है तो आपको एक पतला वाला रजिस्टर मिलता है, चाहे ब्लॉक से मिले या आप स्वयं अपने पास से खरीदें। वो रजिस्टर कुछ इस प्रकार का रहता है, ठीक है। और समूह का जो ओरिजिनल रजिस्टर होता है, जो ब्लॉक से मिलता है, जब आपके समूह का बैंक में खाता खुल जाएगा तब वो रजिस्टर आपको मिलेगा, ठीक है। यदि आपका समूह नया है और इस प्रकार का रजिस्टर है, पतला वाला रजिस्टर है, तो इस रजिस्टर को आपको कैसे लिखना है, समूह का प्रस्ताव कैसे लिखना है, समूह की पहली बैठक कैसे लिखनी है, तो आज के वीडियो में इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो दीदी वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपका नया नया समूह बना है तो सबसे पहले समूह गठन का प्रस्ताव लिखा जाता है, ठीक है। तो समूह गठन का प्रस्ताव कैसे लिखना है, मैंने वीडियो बना करके अपलोड कर दी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे जा करके देख सकती हैं, ठीक है। आज हम आप सबको बताएंगे स्वयं सहायता समूह की पहली बैठक कैसे लिखना है। तो देख लीजिए दीदी, यदि आपका नया नया समूह है और पतला वाला रजिस्टर आपको मिला है, तो आपको जो है इस रजिस्टर में स्वयं सहायता समूह की पहली बैठक कैसे लिखनी है, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार से लिखना है आपको। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको जो है कॉलम बना लेना है। कितना कॉलम, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पटरी से ये सारे कॉलम आपको बना लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर बैठक संख्या 1 लिखा गया है। बैठक संख्या लिखना अनिवार्य है, बैठक संख्या कभी मत भूलिएगा, हमेशा लिखिएगा, क्योंकि दीदी स्वयं सहायता समूह की बैठक साप्ताहिक होती है, तो बैठक संख्या लिखना अनिवार्य है। उसके बाद समूह का नाम लिख दीजिए, आपके समूह का जो नाम हो वो लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं गंगा यशजी, ठीक है। उसके बाद क्रम संख्या, सदस्य का नाम, हाजिरी, बचत, कुल बचत, हस्ताक्षर, ठीक है। तो दीदी आपके समूह में जितनी दीदियां जुड़ी हैं सभी दीदियों का नाम आपको लिखना है नंबरिंग करके। दीदी सबसे पहले जब आप अपने समूह में सभी सदस्यों का नाम लिखेंगी तो सबसे पहले नंबर 1 पे अध्यक्ष दीदी का नाम लिखना है, 2 नंबर पे सचिव दीदी का नाम लिखना है, 3 नंबर पे कोषा अध्यक्ष दीदी का नाम लिखना है। उसके बाद सभी सदस्यों का नाम लिख देना है, ठीक है दीदी। तो 12 दीदी समूह में जुड़ी हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने 12 दीदी का नाम लिख दिया है, रीमा, कविता, सुमन, आरती, सोनी, गंगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप अपना लिख सकती हैं। उसके बाद हाजिरी में क्या लिखना है, हाजिरी में उपस्थिति लिखना है पी। बचत में क्या लिखना है, जो दीदी बचत का रुपया समूह की बैठक में जमा करेंगी, जो निर्धारित किए हैं आप सब लोग मिल करके, प्रति सप्ताह हमारे समूह में कितना रुपया जमा किया जाएगा, प्रति सप्ताह यहाँ पे निर्धारित किया गया है 10 रुपया। जैसे बहुत जगह जो है 50 रुपया होता है, 20 रुपया होता है, कई जगह जो है प्रति माह बैठक करते हैं 100 रुपया जमा करते हैं, तो आप अपने हिसाब से लिख सकती हैं, ठीक है। कुल बचत में चूंकि ये पहली बैठक है तो केवल अभी से ही शुरुआत किया जा रहा है, 10-10 रुपए से दीदी बचत जमा कर रहे हैं, तो कुल बचत में भी 10 रुपया हम लिखेंगे। इसी प्रकार से सब दीदी का लिख लेना है, तो सबका हम लिख दे रहे हैं। जैसे जो दीदी नहीं आएंगी उनका अब्सेंट लिखेंगे, और पैसा नहीं जमा कर रही है तो ऐसे डैश कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे सब दीदी आई हैं तो सबको हम प्रेजेंट करेंगे और सब दीदी पैसा जमा कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब टोटल कर लेना है कुल कितना पैसा जमा हुआ है। तो 12 दीदी हैं, सब दीदी ने 10-10 रुपया मिलके जमा किया है, कुल जो है 120 रुपया जमा हुआ है। इसका भी कुल कर लेते हैं, कुल बचत में कुल कर लेते हैं, कुल कितना है 120 रुपया। उपस्थित संख्या, अनुपस्थित संख्या, यहाँ पे कितनी दीदियाँ उपस्थित है पूरा टोटल जोड़ेंगे तो 12 दीदियाँ यहाँ पे उपस्थित है। अगर यहाँ पे कोई दीदी उपस्थित ना होती, एब्सेंट होती,
होती तो वो भी लिखा जाता अनुपस्थित में। अब उपस्थित संख्या कितनी दीदियां उपस्थित हैं, तो 12 दीदी उपस्थित हैं, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। अनुपस्थित अगर कोई दीदी यहाँ पे अनुपस्थित होती तो ये संख्या घट के 11 हो जाता, यहाँ पे लिखा जाता एक दीदी अनुपस्थित थी, एक लिखा जाता, ठीक है। चूंकि सब दीदियां उपस्थित हैं तो यहाँ पे डैश रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपके समूह में जितने सदस्य हैं सभी सदस्य यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेंगे। जैसे रीमा है तो यहाँ पे रीमा करेंगी, इसी प्रकार से सब दीदियां अपना अपना हस्ताक्षर करेंगी। दीदी बैठक संख्या 1 है तो बचत में 10 रुपए बचत लिखेंगे, कुल बचत में 10 रुपया लिखेंगे। तो कुल बचत में क्यों 10 रुपया लिखा जा रहा है, चूंकि पहली बैठक है, आज ही से बैठक की शुरुआत की गई है, बैठक में बचत जमा किया जा रहा है। तो दीदी ने केवल 10 रुपए की बचत जमा की है, बचत में लिखा जाएगा, और कुल बचत टोटल जोड़ करके इनकी कुल बचत में 10 रुपया लिखा जाएगा। इसी प्रकार जब आप दूसरी बैठक करेंगी तो कुल बचत में जोड़ करके पिछले बैठक का बचत और आज की बैठक का बचत, कुल बचत में दूसरे बैठक में 20 रुपया लिखा जाएगा। इसी प्रकार तीसरे बैठक में 30 रुपया लिखा जाएगा, चौथे बैठक में 40 रुपया। कुल बचत में आप जितना बचत जमा करेंगी समूह में कुल बचत में जुड़ता जाएगा, ठीक है दीदी। उसके बाद यहाँ अध्यक्ष, उसके बाद यहाँ सचिव का, यहाँ पे कोसा दीदी का हस्ताक्षर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले पेज को भी भरना है आपको, तो यहाँ पे देखिए दिनांक लिख देना है जिस दिनांक को आपके समूह की बैठक हुई है। तो मान लेते हैं 3/4/2023 को, यहाँ भी आपको जो है दिनांक लिख देना है 3/4/2023, ठीक है। उसके बाद बैठक संख्या वही है, क्योंकि बैठक संख्या 1 ही चल रही है, 2 पेज में इसको लिखना है। तो यहाँ पे समूह का नाम लिख दीजिए, गंगा यशद जी। उसके बाद समूह बैठक का स्थान, अब इस पेज में जो है आपको कार्रवाई लिखना है। यहाँ पे आपने इस पेज में दीदी आपने वित्तीय लेखा जोखा किया, कितनी दीदियां पैसा जमा की, ठीक है। अब इस पेज में आप जो है कार्यवाही लेखा जोखा करेंगी, पूरा रिकॉर्ड इस पेज में आप लिखेंगी। तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 समूह बैठक का स्थान, आप अपने समूह की बैठक किस स्थान पे की है, किस दीदी के दरवाजे पे की है, तो वो लिखना है। अगर आप किसी दीदी के दरवाजे पे की है या अध्यक्ष दीदी के दरवाजे पे की है तो यहाँ पे लिखिए, जैसे रीमा, रीमा के दरवाजे पर, ठीक है। दिन एवं समय, दिन लिख दीजिए किस दिन, मान लेते हैं गुरुवार। समय कितने बजे, 12 बजे। बैठक दिनांक 3/4/2023। प्रार्थना, समूह में कौन सा प्रार्थना होता है वो एक लाइन आपको लिखना है। तो जैसे इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का, जैसे प्रार्थना यही होता है समूह में दीदी, इतनी शक्ति हमें देना दाता, तो इसको लिख देना है। परिचय, तो यहाँ पे लिख दीजिए सभी, ठीक है। उसके बाद आज के अध्यक्ष, जब आप बैठक करेंगी प्रति सप्ताह तो हर सप्ताह एक नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा, ठीक है। तो किस नई दीदी को जो है नए अध्यक्ष के रूप में आप चयन की है उस दीदी का नाम लिखिए। जैसे यहाँ पे आपने सुमन दीदी को चुना है तो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद पिछले बैठक की समीक्षा, यहाँ पे पिछले बैठक की समीक्षा आपको करना है। जब आप बैठक की शुरुआत करेंगे तो एक बार पिछले बैठक में जो भी चर्चाएं हुई हैं उसको आप रिवाइज करेंगी, चर्चा करेंगी, तो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर है एजेंडा, एजेंडा में क्या लिखना है, जैसे जो भी चर्चाएं होती हैं आपके समूह में वो चर्चा आप लिखिए। हर सप्ताह एक नया एजेंडा बनता है, तो जैसे यहाँ पे पहला एजेंडा लिख दीजिए, ठीक है। अब दूसरा एजेंडा लिख दीजिए, समूह, ठीक है। तीसरा एजेंडा आपका हो सकता है समूह, तीसरा एजेंडा आपका हो सकता है समूह की मुहर बनवानी है तो चर्चा किया गया, क्योंकि समूह नया नया है, पहली ही बैठक है, तो आप लोग चर्चा तो करेंगे ही कि हम अपने समूह का खाता किस बैंक में खुलवाएं, खाता खुलवाने से पहले समूह की मुहर बनवाना चाहिए, ये सारी चर्चाएं जो आप करेंगे तो एजेंडा में आपको लिखना होगा। उसके बाद 9 नंबर है पिछले बैठक की राशि, पिछले बैठक में आपके समूह में कितना पैसा जमा हुआ है वो लिखना है। चूंकि यहाँ पे देखिए समूह की पहली ही बैठक है, पिछली
बैठक तो कुछ हुई नहीं है, वो नील रहेगा, कुछ पैसा जमा तो हुआ नहीं है तो नील रहेगा। आज की बचत कहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से देखेंगे। आज की बचत कितना हुआ है, 120 रुपया, 120 रुपया यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। कुल बचत कितना हुआ है, 120 रुपया। कोषाध्यक्ष के हाथ की राशि, ये पैसा कोषाध्यक्ष दीदी के पास ही रहेगा, तो उनके हाथ में कितना पैसा आप दे रही हैं, ये टोटल लिखा जाएगा, कितना, 120 रुपया। यही आपका 120 रुपया जो है दूसरी बैठक में पिछले बैठक की राशि हो जाएगी, ठीक है। इसी हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है दीदी। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे प्राप्ति भुगतान का आपको कॉलम बना लेना है। प्राप्ति मतलब होता है जो पैसा समूह को प्राप्त होता है। तो दीदी आपको कैसे पता चलेगा समूह को कितना पैसा प्राप्त हुआ है, तो आज समूह को जो है 120 रुपया प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे सदस्यों द्वारा बचत 120 रुपया आप प्राप्ति में लिख सकती हैं, ठीक है। उसके बाद भुगतान में क्या लिखना है, जो पैसा समूह से खर्च किया जाता है उसे हम भुगतान में लिखेंगे। अगर समूह से आप मोहर बनवाने के लिए 100 रुपया दे रही है तो वो भुगतान में लिखा जाएगा, जो भी पैसा आप खर्च करेंगी वो भुगतान में आपको लिखना है, या सदस्य को ऋण दे रही हैं तो भुगतान में लिख दीजिए, आज की बैठक में फला दीदी को इतने 1000 रुपए का ऋण दिया गया, ठीक है। प्राप्ति भुगतान का मतलब यही होता है। तो उसके बाद यहाँ अध्यक्ष साइन करेंगी, सचिव साइन करेंगी, कोषा अध्यक्ष दीदी साइन करेंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तब आप 4 नंबर पे यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसी के साथ आज की बैठक समाप्त की जाती है, ठीक है दीदी। तो इसी प्रकार से स्वयं सहायता समूह की पहली बैठक का रजिस्टर इसी प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद जब आपके समूह का बैंक में खाता खुल जाएगा तो आप ब्लॉक से आपके समूह को 5 रजिस्टर मिलेंगे, तो उसको कैसे लिखना है उस पे मैंने वीडियो बना दिया है। रोकड़ बही, कार्रवाई रजिस्टर, बचत पुस्तिका, ऋण पुस्तिका, सामान्य खाता बही का लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकेंगी। तो आज की वीडियो दीदी आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की नई से नई अपडेट आप सबको मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।